पटना से बड़ी खबर, जहां TRE3 के PRT में सीट कम होने का मामले में रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला सामने आया था। 125 और 628 में लगभग 4000 ज्यादा सीटें कम हो गई थी। न्यूज 18 ने पहले ही सीट कम नहीं होने की बात कही थी। बता दें कि अब JD के रोस्टर लौटाए जाने के बाद खलबली मची हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 1,239 दरोगा को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र बांटने समय मुख्यमंत्री ने DGP गृह सचिव की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। सीएम ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले अगले 6 महीने के अंदर नियुक्तियां हो जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। जब 1,239 दारोगा को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तभी सीएम नीतीश के मुंह से निकला 6 महीने में सभी खाली पदों की भर्ती पूरी कर ली। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है जरा इधर ताकि कि पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। ये देखिए मौका बिहार में बहाल 1,239 दारोगा को नियुक्ति पत्र देने का था, जहां मंत्री से लेकर राज्य के बड़े अधिकारी तक मौजूद थे। नियुक्ति पत्र लेने वाले नए नवेले दारोगा जी भी बैठे थे। तभी अचानक सीएम नीतीश DGP आलोक राज की ओर मुखातिब हुए और हाथ जोड़कर कह दिया कि जो भी बहाली होनी है उसे 6 महीने के अंदर पूरा करें। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है जरा इधर ताकि कि पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। हम आपको ये कहने वाले समझ गए ना कि तेजी से करिए। DGP ने भी मुख्यमंत्री को तुरंत आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हुक्म की तामील होगी, सभी संवर्गों में नियुक्तियां होंगी। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 24 लाख रोजगार दे दिया जाएगा। फिलहाल 7 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज्यादा नौकरी की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि विपक्ष नीतीश सरकार के समय में दिए गए नौकरियों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता रहा है, जिस पर नीतीश भी खुलकर कहते रहे हैं कि नौकरी उन्होंने दी है और ये बताने की कोशिश की है कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।